आपने तो वादा किया था ना कि हम अगर किसी से शादी कर लेंगे तो आप शंकर को अपना लेंगे, तो कीजिए ना अपनी शर्त पूरी, अपनाइए शंकर को। आपको शंकर को अपनाना ही होगा। हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये दूसरे लोग नहीं सोचेंगे, हम खुद सोच सकते हैं। इसलिए आज के बाद हम पर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, और अपने इस घर की मालकिन होने की हुकूमत औरों पे चलाना, हम पर नहीं। हमने तुम्हें छोड़ दिया तो ये घर और जिंदगी क्या चीज है। होटल ब्लू डायमंड के मैनेजर का फोन। हेलो। हेलो मैम, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। वो एक्चुअली पिछले हफ्ते आप और आपके हस्बैंड मिस्टर ध्रुव पांडे हमारे यहाँ स्टे के लिए आए थे। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली हमारे होटल में हर महीने एक लकी ड्रॉ होता है जिसके विनिंग कपल को एक रात का स्टे फ्री मिलता है, और इस बार के लकी विनर आप हैं। तो क्या आप आज के स्टे का ये फ्री ऑफर लेना चाहेंगे अपने हस्बैंड के साथ? ऑफ कोर्स, I would love to. मैं एक बार उनसे बात करके आपको बता दूं। Sure, man. Thanks a lot. ध्रुव, अच्छा हुआ आप आ गए। वो होटल ब्लू डायमंड के मैनेजर का फोन था, कह रहा था कि हमारा कोई लकी ड्रॉ है, मतलब हम वहाँ वन नाइट का स्टे कर सकते हैं। तो हम चलें। मैं आपके कपड़े रेडी कर देती हूँ। अदिति, तुम्हें नहीं लगता कि अभी घर में जो सिचुएशन है, आई मीन सबका मूड इतना खराब है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए? क्या सिचुएशन ध्रुव जी, सब लोग इतने खुश हैं, पानी और कबीर की शादी हो गई है, आई मीन इट्स सच अ नाइस थिंग। और वैसे भी हमें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, डोंट यू थिंक? मैं उन्हें मना कर रही हूँ, आप खुश नहीं लग रहे। अदिति, एक काम करो, तुम उन्हें कंफर्म कर दो, हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त में, ये जो स्माइल है ना, ये कभी तुम्हारे चेहरे से गायब नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। सॉरी तबकी, तुम इतनी परेशान हो और मैं अदिति के साथ जा रहा हूं, पर तुमने मुझसे वादा लिया है कि मैं अदिति को हमेशा खुश रखूंगा। काश कि वादा तुमने अपने आप के लिए भी लिया होता तो तुम कबीर से कभी शादी नहीं करते थे। यस मैम। जी श्योर मैम। अदिति मैडम का फोन था, वो अपने हस्बैंड के साथ आज रात यहां रुकने आ रही है। मिसेस अदिति ध्रुव पांडे, देखते जाओ कि आज रात को क्या होता है। इसी होटल के रूम में तुमने और ध्रुव ने अपनी सुहागरात मनाई थी ना, आज मैं भी इसी होटल के उसी रूम में तुम्हारी बर्बादी का इंतजाम कैसे करती हूँ, तुम बस देखती जाओ। ऐसा इंतजाम करूंगी
कि अगर तुम भूलना भी चाहो तो भी नहीं भूल पाओगी अदिति। यू नो व्हाट, श्रद्धा मर सकती है, मार भी सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। नहीं कभी, मेरे और बिहान के बीच में चाहे कुछ भी हो, पर उसकी सजा उस शंकर को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। ऐसे शंकर ने बिहान के साथ साथ फेरे लिए हैं, बिहान की पत्नी है वो, अब पत्नी बनने का अधिकार तो मिलना चाहिए ना शंकर को। और तुमने देखा किस तरह बिहान शंकर के साथ। बिहान ऐसा करेगा तब की, बस कुछ वक्त और, वो अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। उसे इतना तड़पाना होगा कि वो सब भूल जाए, याद रहे तो सिर्फ दर्द। उसके बाद वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। जो तुम चाहोगी, उसे तड़पाओ जलाओ इस हद तक कि वो जीना भूल जाए, फिर वो खुद घुटनों के बल गिर के तुमसे जिंदगी की भीख मांगेगा। नहीं 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 कबीर, मैं बिहार को ऑलरेडी बहुत दुख पहुंचा चुकी हूँ कबीर, आप मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। सबकी रिलैक्स, सबकी हिम्मत रखो। देखो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, उससे बदला लेना है हमें। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, और फिर तुमने ही तो कहा था कि हमें कुर्सी का सच सामने लाना है, और उसके लिए तो हमें नाटक करते रहना होगा ना। सॉरी तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। अपनी बहन का बदला लेना है मुझे बयान से, और उसके लिए मुझे तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इन्फॉर्म किया। क्या हुआ कबीर? कबीर अब बिहान को और तकलीफ पहुंचाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस कोसी देवी का सच सबके सामने खुद बखुद आने वाला है। फोन आया था इंस्पेक्टर साहब का, कबीर उन्होंने मुझे बताया कि वो चाचा अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हो गए हैं, और साथ ही साथ वो कोसी के खिलाफ बयान भी देंगे। अब उस कोसी का खेल खत्म, और साथ में हमारी इस नकली शादी का भी। क्या करते कोसी जी, बहुत मारा बहुत मारा, इतना मारा दे हाथ सब दर्द कर रहा है, बाप बर्दाश्त नहीं रहा, बस कबूल कर ली, बोल दिए हमने और आपने मिलके जो जो कांड किया है ना वो हम बता दिए। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि कोर्ट के सामने सब बात कबूल कर लेने से सजा कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके हम और आप मिल करके सजा काट लेंगे, ठीक किया ना कुशी जी? हाँ, आप बिल्कुल सही किए हैं, आपके साथ मिलकर तो हम कोई भी सजा काट लेंगे, हाई जेल भी ना, हमको महल के जैसा लगेगा। अरे बोलना भूल गए, आज ना कि पुलिस वालों का एक पूजा था, ये उसी का प्रसाद है, तो हम सोचे आपके लिए ले आए। अब आप जब इतना बड़ा फैसला ले लिए हैं, तो समझ लीजिए भगवान साक्षात खुद आपको प्रसादी भेजे हैं। ये लीजिए। फिर अभी हम चलते हैं। अरे कोई है, कोई आई है, देखिए इनको क्या हुआ है, आइए आप लोग, अरे कुछ हो गया है। हमको धोखा दे तो हम तो अपने परछाई को काट कर फेंक दे, तुम क्या चीज हो? माने कि तुम हमारे पति एक बच्चा दियो,
लेकिन हमारा सच उगलोगे तो तुम भी मरोगे। अच्छा किए कि हम पुलिस के प्रसाद में जहर मिला के दे दिए, ताकि ना कोई शक करे और ना कोई चीर फाड़। बताओगे क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ कभी। मतलब? मतलब ये कि कोसी ने अपना असली रूप दिखा दिया कभी। अभी वो चाचा से मिलने गई थी और अपने आप को बचाने के लिए जानते उन्होंने क्या किया? चाचा को जहर दे दिया। चाचा बच तो गए पर वो कोमा में चले गए। देवी, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सच तो अपने सबके सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि पानी अब सर के बहुत ऊपर जा चुका है। अब मैं एक भी दिन इंतजार नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही रूप क्यों ना बदलने पड़े। Wow. So beautiful ना, और ये अरेंजमेंट्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं। Look at that. हमारे नाम भी है। Cheers. तुम्हारी आंखों और तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। मैं 2 मिनट में आती हूँ वॉशरूम जाकर। प्लीज आई विल बी बैक। बेटर बी क्विक।
मिसेज अदिति ध्रुव पांडे, आखिर मैंने साबित कर ही दिया ना कि तुम्हारी औकात दो टके की है। मैंने तुम्हें फ्री की चीज का लालच दिया और तुम फंस गई। एनीवे छोड़, ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल तुम्हारे जैसी ना, हूबहू। जो नशे की दवा मैंने ध्रुव के ड्रिंक में मिलाई है उसको पीने के बाद उसको हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ अदिति दिखाई देगी, यानी कि तुम। पर तुम तो यहाँ पर हो, दिखेगी उसे अदिति पर होगा कौन? वन एंड ओनली मी, यानी कि श्रद्धा। बाय अदिति। कितना टाइम लगा दिया तुमने अदिति? पता नहीं मेरा सर बहुत घूम रहा है, मतलब जैसे नशा टाइप। आई नो तुम्हारा नशा है ना। भूल जाओ सब कुछ ध्रुव, और सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे याद रखो। अपने पति को मार कर भी बचोगी नहीं, बचना है तो आज रात पहाड़ी वाले मंदिर में आकर मिलो, वरना तुम्हारा खेल खत्म है।